दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अगली सीरीज में बात करने जा रहे हैं। आज का सीरीज है सीरीज नंबर 63। जी हाँ दोस्तों, और आज हम लोग बात करने वाले हैं उद्योग का तीसरा लेक्चर। पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया आपको उद्योग के बारे में यानी इंडस्ट्री के बारे में। दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों ने बात किया आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री होती है उसके बारे में, और आज का लेक्चर है एल्युमिनियम इंडस्ट्री पर, यानी भारत में एल्युमिनियम उद्योग का विकास कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हम लोगों ने सुना होगा कभी ना कभी हिंडाल्को के बारे में, नाल्को के बारे में, बाल्को के बारे में, माल्को के बारे में, तो ये सभी क्या है, इन सभी का जो है विस्तार से चर्चा करते हैं और एक एक पॉइंट में आपको क्लियर कराता हूं। ठीक है, एक बात और याद रखें दोस्तों, आजकल टॉपिक थोड़ी सी छोटी आ रही है। दिक्कत ये है ना कि मैं अगर दो टॉपिक ऐड करूंगा तो बहुत ज्यादा डेटा आ जाएगा, ऐसे में आप याद नहीं कर पाओगे। इस वजह से हो सकता है कि अगला 3-4 लेक्चर थोड़ा सा छोटा छोटा होगा, क्योंकि मुझे टॉपिक ही पूरा का पूरा एक अलग से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस पर जरा आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों गले में कोई नस वगैरह चढ़ गई जैसा लग रहा है। चलो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और याद रखेगा कि प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है स्टडी 91 के नाम से। अगर आप उसे डाउनलोड करते हैं तो आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर सिस्टमैटिक तरीके से डेटा दिए गए हैं और वीडियो क्लास दिए गए हैं, जिससे आपकी और भी ज्यादा बेहतर तैयारी हो पाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एल्युमिनियम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना। ठीक है, लिख रहा है कि लौह इस्पात इंडस्ट्री की तरह, जिस तरह से दोस्तों लौह इस्पात इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि लौह इस्पात इंडस्ट्री जो है वो एक आधारभूत उद्योग है, बाकी सभी उद्योगों का आधार है, क्योंकि बाकी सभी उद्योग किसी न किसी तरीके से इस उद्योग से जुड़े होते हैं। अगर नंबर दो पर बात कर लें, पूरे भारत में दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री धातु के क्षेत्र में, तो याद रखिए वो है एल्युमिनियम इंडस्ट्री। लिख रहा है लौह इस्पात उद्योग के बाद एल्युमिनियम भारत का दूसरा सबसे बड़ा धातु पर आधारित उद्योग है। पहले तो आप इस आंकड़े को याद रखें। दूसरे पॉइंट में दिख रहा है कि एल्युमिनियम का लचीलापन, एल्युमिनियम क्या है वो इस्पात और लोहे की अपेक्षा काफी ज्यादा लचीला होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। करा बिजली में, बिजली के कोई भी उपकरण बनाने में बहुत सारे उपकरण होंगे, यहां तक कि जो वायर तक होते हैं वो भी जो है एल्युमिनियम के बने होते हैं, तो अक्सर करके एल्युमिनियम का इस्तेमाल बिजली के उपकरण में होता है। और या तथा ऊष्मा के प्रति इसकी अच्छी चालकता भी होती, इस वजह से भी इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और किसी भी आकार में ढलने की क्षमता है जिसके वजह से सबसे ज्यादा इस्तेमाल, यानी लोहे और इस्पात की अपेक्षा धीरे धीरे अब जो है एल्युमिनियम का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा। आप जरा ख्याल करो, आपके घर में पहले खिड़की और दरवाजे किसके हुआ करते थे, वो लोहे के हुआ करते थे, अब किसके होते हैं, अब ज्यादातर लोहे के दरवाजे नहीं होते या खिड़कियां कम से कम नहीं होती, एल्युमिनियम का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। यहां तक कि जो ऑफिस वगैरह बनती है वहां पर भी एल्युमिनियम का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। करें किसी भी आकार में ढलने की क्षमता के कारण यह धातु अत्यंत उपयोगी है। लिख रहा है इसका इस्तेमाल विद्युत वितरण में यानी वायर बनाने में, रेल के डिब्बों के निर्माण करने में, वायुयान के डिब्बों का निर्माण करने में, भवन के निर्माण में, परमाणु संयंत्र के निर्माण में, इसके अलावा बर्तन हो गया, सिक्के हो गया, तमाम जगहों पर एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है जरा बताइए जल्दी। तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक बताइए, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। आपको केमिस्ट्री वाले वीडियो में पढ़ाया गया होगा तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, करा यह इस्पात, तांबा, जस्ता तथा सीसा जैसी धातुओं के पूरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा। करें एल्युमिनियम जो है ये बॉक्साइट का अयस्क है, जिस तरह से लोहा जो होता है वो हेमेटाइट या मैग्नेटाइट का अयस्क होता है, उसी तरह से पाया जाता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा के अयस्क हैं, उल्टा मैंने बोल दिया। तो यहां पर याद रखिएगा एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट होता है। करें इसके उत्पादन में 30-40% तक का जो व्यय होता है वो केवल बिजली का व्यय होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत इसमें बिजली का पड़ता है। ठीक है, अतः जिन क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता है और बॉक्साइट की उपलब्धता है उन क्षेत्रों में इसकी फैक्ट्रियां बन सकती हैं। जिस प्रकार मैंने आपको पढ़ाया कि लौह और इस्पात उद्योग में जहां पर कोयला और लोहे के जो अयस्क हैं उसकी उपलब्धता होगी, उसके आधार पर उसकी इंडस्ट्री भी वहां पर ज्यादा होगी, उसी तरह से इसमें बिजली की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है और बॉक्साइट की आवश्यकता होती है, तो जहां पर इन दोनों चीजों की अवेलेबिलिटी होती है वहीं पर फैक्ट्रियां स्थापित की जाती हैं। ठीक है, आगे
देखिए, अगर वर्ष 2015 की बात करें तो भारत जो है वो 4% विश्व के पूरा जितना प्रोडक्शन होता है एल्युमिनियम का, उसमें 4% का प्रोडक्शन केवल भारत करता था और भारत का योगदान 8वां था। कौन सा था? 8वें नंबर पे भारत था। ठीक है, करा कि ध्यातव्य है कि देश का प्रथम एल्युमिना संयंत्र ये कहां बनाया गया था? जेके नगर में बनाया गया। जेके नगर कहां पड़ता है दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल में है। और याद रखिए 1937 में, कब? 1937 में सबसे पहले एल्युमिनियम का कारखाना लगा है। वहीं अगर मैं आयरन एंड स्टील की बात कर दूं तो उसकी जो इंडस्ट्री लगी, आयरन वाली इंडस्ट्री, वो 1873 में लगी हुई थी, 74 में लगी हुई थी, तो उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, करा दूसरा उद्योग ठीक अगले साल 1838 में लगा और बॉक्साइट का खनन क्षेत्र है मूरी। मूरी एक क्षेत्र है जहां बॉक्साइट खनन किया जाता है और बॉक्साइट के वैसे उत्पादन में उड़ीसा का पहला स्थान है, याद रखेंगे, लेकिन मूरी भी है, वो झारखंड में पड़ता है मूरी, तो वहां पर जो है दूसरा उद्योग इसका स्थापित किया गया। करा नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड, ठीक है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इसका पूरा नाम, मतलब एक नाम है, तो नेशनल में होता है एन, ठीक है, और एल्युमिनियम कंपनी, तो याद रखिए एल्युमिनियम ए से एल से एल्युमिनियम हो जाता है, सी से कंपनी, ठीक है, तो याद रखिएगा सीओ कंपनी, तो इसको नालको बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? नालको, यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, ठीक है, लिमिटेड इसका पूरा नाम है। यह देश का सबसे बड़ा एकीकृत एल्युमिनियम परियोजना है। इसकी स्थापना 1981 में की गई है। कब की गई है? 1981 में। अगला दे रहा है, अब देश प्राथमिक तौर पे देखा जाए तो एल्युमिनियम के प्रति आत्मनिर्भर बन चुका है, उसको बहुत ज्यादा जो है इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसकी घरेलू आवश्यकताएं अब धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो गई है, बल्कि अब एल्युमिनियम का एक्सपोर्ट भी भारत करता है, उसको भी याद रखेंगे। करा जो नालको है ना, ये नालको हीराकुंड, हीराकुंड परियोजना का नाम सुना होगा, उड़ीसा में है हीराकुंड परियोजना, करा उसको शामिल करते हुए एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र यहां पे लगा हुआ है। कहां पर? नालको जो है, ठीक है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अगला इसी तरह से बढ़ेंगे दोस्तों। जब हमारा देश आजाद हो गया तो प्रथम पंचवर्षीय योजना तो पूरी तरह से कृषि पर आधारित थी, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर फोकस किया, उसी प्रकार एल्युमिनियम इंडस्ट्री पर भी फोकस हुआ। तो याद रखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हीराकुंड उड़ीसा में और रेणुकूट, एक जगह पड़ता है उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र के पास रेणुकूट है, ठीक है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में, इन दो जगहों पर ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग संयंत्रों की स्थापना की गई। कहां कहां पर? तो एक तो रेणुकूट में, दूसरा है हीराकुंड उड़ीसा में। करा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मेट्टूर, जो जगह दोस्तों मेट्टूर बांध का नाम सुना होगा, तमिलनाडु में है, ठीक है, तो वहां पर एक संयंत्र लगाया गया। और चौथी पंचवर्षीय योजना में कर्नाटक के बेलगांव में एक नवीन एल्युमिनियम का कारखाना लगाया गया। तो जरा आप ध्यान देंगे, हीराकुंड उड़ीसा और रेणुकूट उत्तर प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, मेट्टूर तमिलनाडु में तृतीय पंचवर्षीय योजना में, और बेलगांव कर्नाटक में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में एल्युमिनियम के कारखाने लगाए गए। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, अगर चाहते हैं परीक्षा में प्रश्न सही हो तो जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं सब एकदम घोल करके पी जाइए, ठीक है, वेट मत करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला देखिए, एक एक में पढ़ लेते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा हिंडालको का, हिंडालको क्या है दोस्तों? तो ही माने हो जाता है HI, माने हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान का एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इसका नाम है, ठीक है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। याद रखिए इसका कारखाना रेणुकूट सोनभद्र उत्तर प्रदेश में बना हुआ है और बॉक्साइट की प्राप्ति इसको झारखंड के लोहरदगा से हो जाता है, रांची से हो जाता है, पलामू जिला से हो जाता है, और उड़ीसा वगैरह और छत्तीसगढ़ राज्यों से भी इसका बॉक्साइट का जो है पूर्ति हो जाती है। वहीं ऊर्जा प्राप्ति की बात करें, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा क्या है? ऊर्जा प्राप्ति, तो रिहंद बांध बनाया गया है दोस्तों, आप सभी को पता होगा रिहंद बांध जो जलाशय यहां पर रोका गया, उसका नाम है गोविंद सागर बांध, ठीक है, गोविंद सागर, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा, रिहंद बांध यहां पर बना, उससे इसको जल विद्युत ऊर्जा मिल जाती है, बाकी बॉक्साइट की प्राप्ति झारखंड उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से हो जाती है। सहयोगी देश कौन सा था, किसके सहयोग से इस हिंडालको को बनाया गया, तो परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछता है, तो याद रखिए अमेरिका के सहयोग से इसको स्थापित किया गया हिंडालको, ठीक है, हिंडालको दोस्तों जो कंपनी है आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहां पर हिंडालको कंपनी है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिए ये संबंधित भी किससे है? आदित्य बिरला ग्रुप से संबंधित है, ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं बालको। बालको दोस्तों क्या है, बा बी ए आ गया ना, तो बी ए माने हो जाता है भारत, कुछ और नहीं है। वहां पर हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी था, यहाँ पे भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है। एक नालको है, तो नालको में एन ए आ जाता है तो उसका मतलब नेशनल हो जाता है, ठीक है, तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, तो नालको। यहाँ पे याद रखे बालको है, बालको का कारखाना दो जगह पे लगा हुआ है दोस्तों, सॉरी दो जगह पे है, एक तो महाराष्ट्र में है, रत्नागिरी का नाम सुना होगा, एक कोरबा पड़ता है छत्तीसगढ़ में, दोनों जगह पर है। तो मैं अगर कोरबा छत्तीसगढ़ की बात करूं तो इसको जो बॉक्साइट है वो अमरकंटक की पहाड़ी के पास से मिल जाता है, और ऊर्जा की प्राप्ति एनटीपीसी का स्थानीय संयंत्र है उससे मिल जाता है, ठीक है। और रत्नागिरी वाला जो है दोस्तों, उसको बॉक्साइट की प्राप्ति महाराष्ट्र के क्षेत्र से होता है, और ऊर्जा की प्राप्ति कोयना जल विद्युत परियोजना है सतारा में, सतारा महाराष्ट्र में, उससे हो जाता है। तो यह था आपका बालको, क्या है बालको, बालको याद रखे दो जगह पे, कोरबा और रत्नागिरी। इसी तरह से नालको है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, नालको। नालको का कारखाना भी दो जगह पर, एक अंगुल जगह है उड़ीसा में, एक दामन जोड़ी कोरापुट में, कोरापुट भी पड़ता है उड़ीसा में, दोनों उड़ीसा के प्लांट हैं। बॉक्साइट की प्राप्ति भी इसको कोरापुट से मिल जाती है, और ये अंगुल वाले को जो है इसको भी कोरापुट, और वैसे भी बॉक्साइट का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा है, तो बॉक्साइट तो मिल ही जाता है। बाकी महानदी घाटी से कोयला और ब्राह्मणी नदी घाटी से जल की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। सहयोगी देश फ्रांस था जिसकी मदद से इसकी स्थापना किया गया नालको का, ठीक है, याद रखेगा। इसी तरह एक है मालको, मालको है मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, याद रखे। इसको जल विद्युत मिल जाता है मेट्टूर परियोजना से, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसको स्थापित किया गया था, और बॉक्साइट इसको मिल जाता है सेवराय की पहाड़ियां हैं वहां से मिल जाता है। सहयोगी देश था इटली, ठीक है, इटली सहयोगी देश था जहां से मालको की स्थापना हुआ है, ठीक है। वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड एक नया ग्रुप है, वेदांता ग्रुप का नाम सुना होगा, ये लंजीगढ़ उड़ीसा में संबंधित है, झारसुगुड़ा एक जगह है वहां पर इसका कारखाना लगाया गया है, और सहयोगी देश है जर्मनी। तो दोस्तों यहां पर ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतनी ही बातें थी, तो इसको आप याद रखिएगा। मैंने आपसे कहा ना कि यहां पर छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन अगर मैं ढेर सारे टॉपिक को ऐड कर दिया, जैसे अगला टॉपिक हमारे पास है उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा तांबा के बारे में, लेड के बारे में और सीसा के बारे में, इस तरह से तीन चार इंडस्ट्रियों को मिक्स करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत छोटा छोटा है, ठीक है। यहां पर शामिल करता तो ये क्लास लंबी हो जाती, इसलिए उसको अलग कर दिया। इसके बाद दोस्तों हम लोग सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करेंगे, लगे हाथ में आपको रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए सब आगे की विषय हैं, और आगे की क्लास तरह से आप देखते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है, ठीक है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।